वेलकम टू माई YouTube चैनल टूडे वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिस ओके वट इज़ एम एस वर्ड एम एस वर्ड क्या होता है हमारा एम एस वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है uh, जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए फॉर्मेट करने के लिए डिलीट करने के लिए टेबल्स क्रिएट करने के लिए बायोग्राफी टाइप करने के लिए कुछ भी हमने टाइप करना है वो सब कुछ हम कहाँ पे करते हैं एम एस वर्ड पर करते हैं एम एस वर्ड क्या है हमारा इट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ओके एज़ यू सी ऑन द डाग्राम ओके देखते हैं चलो शुरू करते हैं गेटिंग स्टार्टेड ओपन वर्ड सबसे पहले आप वर्ड को ओपन करेंगे यू मे चूज अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको क्या चूज़ करना होता है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ करना होता है और ब्राउजर टैम्पलेट या आप जैसे ये टैंपलेट यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से कोई एक टैम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो ब्लैंक और अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट आर बेस्ट टू यूज़ एट द स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके जब हम शुरू करें डॉक्यूमेंट में तो उसी वक्त हम या तो डॉक्यूमेंट ब्लैंक ले सकते हैं या कोई टैम्पलेट ले सकते हैं द ब्लू कॉलन ऑन द लेफ्ट शोज यूर मोस्ट रिसेंट सेव फाइल जो भी हमने वर्क किया होगा जो मोस्ट रिसेंट से फाइल्स होगी uh, वो हमारी इस ब्लू कॉलन में दिखेंगी हमें यू मे सिलेक्ट वन ऑफ दिस टू रिज्यूम वर्क ऑन अ सेव्ड डॉक्यूमेंट ओके उसके बाद जब हमने अपना एम एस वर्ड ओपन कर दिया तो हमें इस टाइप का एक पेज ओपन होता हुआ दिखेगा ये हमारे साइड से जो होते हैं वो मार्जिन होते हैं जो हमारे राइट right साइड के स्पेस होते हैं ये हमारा स्क्रॉल बार होता है जिसको हम अप एंड डाउन करते हैं ये हमारे पॉइंटर होता है कर्सर का ये हमारा पेज होता है एंड ये हमारा पेज काउंट होता है जो सबसे लास्ट में हमें रो दिखती है जिसको हम स्टेटस बार बोलते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पर जुम बटन होता है और रीड मोड्स होते हैं ये सब हमारे स्टेटस बार में होते हैं वन बाय वन हम इसकी बार्स को डिस्कस करेंगे सबसे ऊपर जो हमें जब हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है टाइटल बार में वाई डिफॉल्ट जब हमने कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया होता है तो उसका नाम क्या होता है डॉक्यूमेंट वन होता है लेफ्ट साइड में हमारे पास क्विक टूल बार है ओके okay? एंड ऑफिस बटन है ऑफिस बटन के साथ में क्विक एक्सेस टूल बार है एंड राइट साइड में हमारे पास मिनिमाइज़ मैक्माइज और क्लोज बटन है उसके नीचे नीचे हमारे पास फाइल होम इंसर्ट या आपका मेन्यूबार uh, है एंड देन उसके साथ ही ये जो चीज़ें कनेक्ट होती है उसको हम स्टैंडर्ड टूल बार या रिबन बोलते हैं ओके okay? फर्स्टली uh, हम स्टार्ट करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार से व्हाट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा टूल बार होता है जिसमें आप जो चीज़ें मोस्टली यूज़ करते हो उनको आप ऐड uh, कर सकते हो ओके यू कैन पुट देम यू मे ऐड फ्रिक्वेंटली यूज़ टूल टू योर क्विक एक्सेस टूल बार वाई राइट क्लिकिंग ओके आप क्या कर सकते हो राइट क्लिक कर सकते हो इस वाले बटन पे और उससे आप जो भी चीज़ें आपको शॉर्टकट कट चाहिए उन पे क्लिक करके आप उनको क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर सकते हो जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है देखो ये सेव का हो गया अंडू हो गया रिड हो गया इतने सारे बटन इसने लिए हुए हैं क्विक एक्सेस टूल बार में अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इनको ले सकते हो होम टूल बार फॉन्ट स्टाइल एंड क्लिप बोर्ड जो हमारा होम टूल बार होगा उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी सबसे पहले आएगा हमारा होम में क्लिप बोर्ड कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि बिच ऑप्शन कम्स इन क्लिप बोर्ड तो कौन कौन सी होगी वो कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट वैसे ही सेम फ़ॉन्ट में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन होती है इटैलिक बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रो और सबस्क्रिप्ट सुपरसक्रिप्ट टेक्स्ट हाईलाइटेड टेक्स्ट कलर ये सारे हमारे फॉन्ट में होते हैं ओके एंड टेक्स्ट uh, का साइज़ हमारा ये होता है फॉन्ट नेम वाई डिफ़ॉल्ट हमारा कैलवरी आता है फॉन्ट साइज़ हमारा बाई डिफ़ॉल्ट एवन होता है लेकिन जो हमारा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फोन साइज है वो एट इज़ स्मॉलेस्ट एंड सेवेंटी टू इज़ लार्जेस्ट दैन इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे ये वाली ये ऑटोमेटेड केस क्लियरिंग फॉर्मेटिंग उसके साथ ही है बिल्कुल ये सभी ऑप्शन हैं आप इसको डायग्राम में देख सकते हो ओके okay? नोट्स भी बना सकते हो होम टूल टूलवार फॉर्मेट पैराग्राफ्स जो हमारा होम टूल टूलवार है उसमें हम कर रहे हैं फॉर्मेट पैराग्राफ फॉर्मेट पैराग्राफ में हमारे पास से यहाँ पे आती है अलाइनमेंट कितने टाइप की अलाइनमेंट होती है हमारे पास फोर टाइप्स की अलाइनमेंट होती है लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड देन उसके साथ ही हमारे पास आते हैं लाइन स्पेस लाइनों के बीच में स्पेस कितना देना उसके लिए हम लाइन स्पेस यूज़ करते हैं टेबल ड्राइंग टूल्स हमारे पास ये हैं यहाँ पे एंड देन ये हमारी क्या है बुलेट लिस्ट है नंबर लिस्ट है मल्टी लेवल है इंक्रीज एंड डिक्रीज ओरिएंटेशन है ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है पैराग्राफ से मिलता है फिर होम टूल वार एडिटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं इसमें हमारे पास एक हो गया फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट और बस यही है हमारे पास कंट्रोल प्लस एफ क्या करता है हमारा अलाउज टू फाइंड बर्ड्स एंड कंट्रोल प्लस एच क्या करता है हमारा रिप्लेस एंड सिलेक्ट हमारा करता है चूज हाउ टू सिलेक्ट पोर्शंस ऑफ योर टेक्स्ट ओके नाउ यू नो योर बेसिक टूल्स जो बेसिक टूल्स हैं आपके वो आपने पता चल गए आपको उसके साथ ही हमारे पास स्टाइल्स आता है ये जो स्टाइल्स होते हैं इनमें से चूज करके आप अपने जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया है उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो देन आपका आ गया इंसर्ट ऐड मीडिया कैसे आपने इंसर्ट करना है या ऐड करना है ठीक है सबसे पहले आपका आ गया इसमें इलस्ट्रेशंस इंसर्ट में क्या आ गया सबसे पहले आपका पेजेस पेजेस में आ गया आपका पेज कवर पे जाके आप ऐड कर सकते हो पेज कवर को ठीक है ब्लैंक पेज में आप क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो पेज ब्रेक में आप क्या कर सकते हो पेज को तोड़ सकते हो टेबल में आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो एंड पिक्चर्स में आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो ऑनलाइन पिक्चर्स में आप सर्च कर सकते हो इमेजेस को व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट विद अ बिंग इमेज सर्च स्मार्ट एड में आप कोई इंफोग्राफिक्स ऐड कर सकते हो शेप्स ऐड कर सकते हो आप इसमें से और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप अपने पीसी के लिए ओके okay? एंड नाउ इंसर्ट एड मीडिया कैसे आपने मीडिया को इंसर्ट करना है ओके okay. जो हमारे ऐड और मैनेज ऐप्स होती हैं वो सारी हमारी एडिंग्स पे आती हैं लिंक्स हमारे ये हो गए हाइपर लिंक बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस कमेंट्स हमारे ये हो गए हेडर फुटर सब हमारे ये इंसर्ट एड मीडियाज हैं ठीक है आज हम एम एस वर्ड में इतना ही करेंगे प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें नेक्स्ट पार्ट इसका मैं कल लेके आऊँगी इसके आगे वाला सभी को ये पता होना चाहिए कि एम एस वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ठीक है लाइक like, जैसे हमने टाइपिंग करनी है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे अगर हमने कोई टेबल्स क्रिएट करने हैं या कोई कैलकुलेशंस करनी है तो हम एक्सेल यूज़ करेंगे और अगर हमने प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम पावर पॉइंट यूज़ करेंगे एम एस वर्ड की हमारे पास एक्सटेंशन क्या होती है सेव करने की डॉट डॉक आपकी होगी टू थाउजेंड सेवन तक एंड देन टू थाउजेंड सेवन के बाद आपकी हो गई कितनी हो गई डॉट डॉक एक्स ठीक है ये हमारी डॉक्यूमेंट को सेव करने की ऑप्शंस है बाय डिफॉल्ट जो इसका नेम बाय uh, डिफॉल्ट जो हमारे डॉक्यूमेंट का नेम होता है वो क्या होता है डॉक्यूमेंट वन ओके एंड हम इसमें सिर्फ वन टेबल वन रो और वन कॉलन ही ऐड कर सकते हैं मिनिमम बाय डिफॉल्ट ओके साइज इसका एट इज स्मॉलेस्ट सेवेंटी टू इज़ लार्जेस्ट जुम परसेंटेज इसकी मिनिमम टेन परसेंट है हाइयर आप चेक कर लेना प्लीज और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी uh, की की होती है वो क्या होती है कंट्रोल प्लस एस होती है ओके शॉर्टकट कीज़ हम इसकी बाद में करेंगे प्लीज़ पहले इतना देख लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो थैंक्स फॉर वॉचिंग की प्लानिंग